है पांडे जी मैगी पॉइंट। तो जब हम काठगोदाम से ऊपर चढ़ते हैं नैनीताल की तरफ, तो एक रास्ता कटता है भीमताल होते हुए भवाली के लिए। उसी रास्ते पर जैसे ही हम 1 किलोमीटर चलते हैं, लेफ्ट साइड में रोड मिलती है और इसी पर ही है पांडे जी मैगी पॉइंट। और अब इसे मैं अंदर से दिखाता हूँ। कुछ ख़ास खूबियाँ हैं जिसकी वजह से मैं ये फेवर कर रहा हूँ कि इसका वीडियो बनाकर मैं सबके सामने डाल रहा हूँ। पहली खूबी कि ये बहुत स्पेसियस है और काफ़ी सारे लोगों को, बड़े ग्रुप को भी एक साथ ये अकोमोडेट कर सकते हैं, इतनी बड़ी जगह है। दूसरी खूबी, दो वॉशरूम, वॉश बेसिन की सुविधा। तो इस सब एमिनिटीज के साथ ही चल रहा है। अब आते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात आई कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो मेन चीज़ ये है, इनके यहाँ जो कुछ भी मिलता है बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत डिलीशियस। अब मैं एक नज़र डालता हूँ इनके मेनू पर, आप इससे एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि क्या मुझे लेना चाहिए। और जो मेरा पसंदीदा है वो है, एक तो इनकी चाय बहुत ही रिफ्रेशिंग, रिज्यूनेटिंग, और साथ में जो बन मसाला बहुत ही बढ़िया है। ये हैं इस प्रतिष्ठान के मालिक जो इसको चला रहे हैं और बहुत ही खुश मिजाज, बहुत अच्छे से सर्विस देने वाले। तो इसीलिए मैं इनको फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ, आज भी मैं सबसे पहले यहाँ आते ही बन मसाला खाया और चाय पी। और मेरे साथ में है हेमू, इन्होंने ही यहाँ मुझे इंट्रोड्यूस किया था। और इन्हें भी सबसे अच्छा आइटम क्या लगता है यहाँ? सर बन मसाला और चाय। सर मैगी बहुत अच्छी है। मैगी भी अच्छी है। हाँ मैगी अच्छी मिलती है सर। मुझे तो लग रहा है इनके जो कुछ भी खाया है सब में तसल्ली हुई है, बड़े मन से खिलाते हैं सर। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है सफाई। हाँ बिल्कुल साफ सफाई, बिल्कुल एकदम सर। और जो चटनियाँ पड़ी थी, जो कुछ भी था, बहुत ही लाजवाब टेस्ट। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप हल्द्वानी काठगोदाम से ऊपर की तरफ आ रहे हैं भीमताल होते हुए, तो जैसे ही आप नैनीताल रोड को छोड़ते हैं और भीमताल की तरफ चलते हैं, तो करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट साइड में ही ये प्रतिष्ठान है। मैं गूगल लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। कम से कम एक बार चाय और जो बन मसाला है उसका मज़ा लेकर देखें, अच्छा लगेगा।